अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल और टेस्टी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते, 1 किलो बकरे का मशीन वाला कीमा लिया है और इसको मैंने वॉश करके एक छलनी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो इसमें से निकल जाए। ये कीमे में ज़रा भी पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो कीमा। 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज, इसे मैंने इस तरह मोटा मोटा कट करके रखा है क्योंकि हमें कीमे को ग्राइंड कर लेना है तो इसलिए मैंने प्याज को मोटा ही कट करके रखा है। अब 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है। अब तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, अखा कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और साथ ही में पुदीना भी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी भुने हुए चने का पाउडर, मैं ऐड करूंगी आधा लेमन जूस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन सा। इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पीसा है मैंने इसे। लूँगी 2 बड़े चम्मच ऑयल, आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से गूंद लेंगे जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। और ऑयल ऐड करने से जो हमारे कोफ्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो सबसे तेल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, इस तरह कोफ्ते बनाने में बहुत अच्छी मदद हो जाती है। और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। आपको जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं आप उस साइज़ का थोड़ा सा पोर्शन ले लेना और इस तरह हाथों से इस तरह गोल करते हुए बिल्कुल अच्छे से गोल कर लेना है। और एक हथेली की मदद से इसे से राउंड राउंड करते हुए इसे गोल कर लेंगे हम। देखिए कितना अच्छा बना है ये कोफ्ता हमारा। आप थोड़े बड़े साइज़ के ही बनाइएगा, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते समय सुकड़ के छोटे हो जाएंगे, इसलिए थोड़े बड़े साइज़ के ही कोफ्ते बनाइएगा। इसी तरह एक एक करके सभी कोफ्तों को तैयार कर लेंगे हम। एक एक करके हमने सभी कोफ्तों को तैयार कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सभी कोफ्ते ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को मैं मीडियम टू लो रखूंगी और लो फ्लेम पे एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद ही हम इसकी साइड को बदलेंगे, वरना कोफ्ते जो हमारे वो टूट जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड को बदल देंगे। बिल्कुल केयरफुली हमें इसकी साइड को बदल देना है। ये कोफ्ते हमारे टूटे नहीं, देखिए कितनी आसानी से टर्न हो रहे हैं। ये कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। 3 से 4 मिनट हमें इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेना है। कोफ्तों को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस 50% हमें इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है और बाकी 50% हम इसे ग्रेवी के साथ पका लेंगे। तो अब मैं यहाँ इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट पे। देखिए इसे मैंने 50% ही अच्छे से कुक किया है, बाकी 50% मैं इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक कर लूँगी। अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो मैंने सेम पैन का ही इस्तेमाल किया है और ये ऑयल है जिसे मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से भून लेना है ताकि प्याज की जो स्मेल है वो इसमें से रिलीज़ हो जाए।
प्याज की जो स्मेल है वो इसमें से रिलीज हो जाए, इसे हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो इसमें से रिलीज हो जाए। अदरक लहसुन भी बिल्कुल हमारा अच्छे से भून चुका है और जो इसकी स्मेल थी वो भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से रिलीज हो गई है। मैं ऐड करूंगी 2 बड़े टमाटर की प्यूरी, इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे हम टमाटर को भी। एक से दो मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। आप देख सकते हैं साइड साइड में तेल नज़र आ रहा होगा, टमाटर भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सभी पाउडर मसाले। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हम इन सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं, देख सकते हैं इसमें तेल नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 ग्लास पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक बॉईल आने के लिए ढक के रख देंगे ताकि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। आइए इसे चेक कर लेते हैं पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है या नहीं। देख सकते हैं पानी हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोफ्ते जो हमने बनाकर रखे थे, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हमें इसे सिर्फ 10 मिनट अच्छे से पका लेना है ताकि कोफ्ते भी हमारे अच्छे से कुक हो जाए और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो इसे हमें सिर्फ 10 मिनट अच्छे से पका लेना है। आइए इसे चेक कर लेते हैं, ग्रेवी आप देख सकते हैं हमारी कितनी ठीक हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और कोफ्ते भी हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बन के तैयार है हमारे टेस्टी सिंपल कोफ्ते की ग्रेवी। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपके घर में सभी को कैसी पसंद आई। मिलते हैं इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।